उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज रामपुर पहुंच रही है। वो रामपुर में रजा लाइब्रेरी में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा वहीं वो स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और थाने का निरीक्षण भी करेंगी। आनंदीबेन शहर में विकास योजनाओं का भी निरीक्षण करती हुई नजर आएंगी। कार्यक्रम के मुताबिक राज्यपाल सुबह 11 बजे रामपुर आएंगे और फिर इसके बाद सीधे रजा लाइब्रेरी जाएंगी। वो जोहर यूनिवर्सिटी के पास बने सरकारी गेस्ट हाउस में विश्राम भी करेंगी। राज्यपाल के कार्यक्रम को लेकर शहर में सुरक्षा का घेरा भी कड़ा कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल का आज रजा लाइब्रेरी रामपुर के अंदर आगमन है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। सुरक्षा के इंतजाम इतने कड़े हैं कि गेट के बाहर ही लोगों को रोककर उनकी तलाशी लेकर अंदर आने दिया जा रहा है। यही रजा लाइब्रेरी के अंदर कुछ ही घंटों बाद कार्यक्रम शुरू होना है। इसी में शिरकत करने के लिए प्रदेश की राज्यपाल यहाँ पधार रही हैं। यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम पूरी तरह से पुख्ता हैं। किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी यहाँ होने नहीं दी जाएगी। राज्यपाल के जो आगमन का इंतजाम, स्वागत का इंतजाम करने के लिए रजा लाइब्रेरी पूरी तरह से सज के तैयार है। अब यहाँ पे जो सफाई व्यवस्था है वो भी बिल्कुल दुरुस्त कर ली गई है। रामपुर से R9 TV के लिए फहीम खान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और इस खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ फहीम खान ही हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। फहीम, क्या कुछ तैयारियां हैं? हमने आपकी रिपोर्ट देखी, पर तैयारियों की समीक्षा की जाए तो किस तरीके से पूरी तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है? देखिए पूजा, प्रदेश की राज्यपाल रामपुर आ रही हैं। ये एक बार उनका दौरा कर चुका था, आज दूसरी बात हुआ है। 11 बजे का इनका कार्यक्रम है, यानी कि कुछ ही टाइम बाद राज्यपाल महोदया यहाँ पे तशरीफ लाएंगी। और रजा लाइब्रेरी जो कि वो बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, ऐतिहासिक है, और इसलिए भी वो यहाँ रजा लाइब्रेरी के अंदर आ रही है क्योंकि वो इस लाइब्रेरी की अध्यक्ष भी है। तो यहाँ पे जो उनके कार्यक्रम होंगे बहुत निजी होंगे। मीडिया बहुत दूर रखा गया है। मीडिया को कहा गया है कि आपको अगर कोई अपडेट होगी तो वो जिला सूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। तो सुरक्षा की तरफ अगर हम बात करें तो पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने इतने व्यापक इंतजाम किए हैं कि चारों तरफ जो है सुरक्षा घेरा खड़ा कर दिया गया है किले के, और किसी भी संदिग्ध को या किसी भी ऐसी वैसी चीज को पास में नहीं आने दिया जाएगा। किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी कोई कर नहीं सकता। सुरक्षा के इंतजाम इतने व्यापक है कि 4 DSP और एडिशनल SP और खुद SP यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं। और कल भी लगातार पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने रिहर्सल कराया सारे जवानों को, और पूरे दिन सुरक्षा कहा और किस पॉइंट पे कर रही है उसके गुण सिखाते रहे। तो जैसे देखा जाए तो राज्यपाल महोदया का जो कार्यक्रम है बहुत अहम हो चला है पुलिस और प्रशासन के लिए, क्योंकि जिस तरह से जिलाधिकारी अंजय कुमार सिंह 1 हफ्ते से लगातार अधिकारियों की बैठक कर उन्हें निर्देशित कर रहे थे, तो उस हिसाब से भी और पुलिस अधीक्षक ने पुलिस के हिसाब से भी तो चारों जो देखे अगर हम तो ये प्रोग्राम बहुत ही अपने आप में अहम होगा। हालांकि इस बीच वो सुरक्षा घेरा तोड़ने के बाद राज्यपाल महोदया किसी थाने का निरीक्षण भी करेंगी, किसी आंगनबाड़ी केंद्र का भी करेंगी। वो उनकी उनकी जो है वो निर्भर रहेगा उनकी आदत किसके हिसाब से कि वो खुद किसका निरीक्षण करना चाहेंगी। उसके बाद रात्रि विश्राम की अगर हम बात करें तो आज पूरे दिन राज्यपाल महोदया रामपुर के अंदर भी रहेंगी, और रामपुर के अंदर पूरे दिन ही नहीं रहेंगी, रात रुकने का भी अंदाजा हम लगा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के बराबर से एक सरकारी गेस्ट हाउस है, आजाद गेस्ट हाउस, तो उस गेस्ट हाउस को भी पूरी तरह से सज के तैयार कर दिया गया है, यानी कि रात्रि विश्राम की बात भी की जा रही है। तो इस तरह से राज्यपाल महोदया 24 घंटे यहाँ रहेंगी और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगी, लेकिन किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी से मिलने का अभी कोई प्रोग्राम नहीं आया। जी बिल्कुल फहीम, तो कई मामलों में ये जो दौरा जो है वो खास माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।